एंगल्स इक्वल और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस थ्योरम का कन्वर्स भी पॉसिबल है यानी कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता है पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल है वही डोंट नो अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल में यह मिल जाए कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह भी सीडी क्वाड्रिलेटरल एक बारे में, हम ये पता था कि में जो उसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और आज के लेक्चर में हम एंगल्स के बारे में भी जान चुके हैं कि पैरेलोग्राम में उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पैरेलोग्राम से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पी यूस्टैक ऐप को जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस टिप वीडियोस सैंपल पेपर्स एंड मच मोर सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर डाउनलोड दी ऐप नाउ